Hello students, today I am going to tell you about your next tense, past indefinite tense. Students, I have completed my all present tense in my video 6. And just now I am going to tell you about the past tense. Firstly, I am going to tell you about past continuous tense. Students, past continuous tense describes that work was on progress in past. कि कार्य जो था वो प्रोग्रेस में था, प्रोग्रेस पास्ट में, मींस जब प्रोग्रेस में प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस था कि वह स्कूल जा रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज गोइंग टू स्कूल, और जब वह स्कूल जा रहा था तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, यदि आप किसी के घर पे जा रहे हो, पापा ने या मम्मी ने आपको किसी के घर भेज दिया है और कहा है कि तू ले सामान दे के आ, और जब आप वापस आओगे तो मम्मी पूछती है कि बेटा वो क्या कर रहे थे, तो मम्मी बोलेगी भी इसी में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, वो क्या कर रहे थे, तो तुमने बता दिया कि उसकी मम्मी तो खाना बना रही थी, मींस जब आपने देखा वर्क प्रोग्रेस में था पास्ट में। इस तरीके से वर्क प्रोग्रेस में होता है पास्ट में, तो इस बात को आप ध्यान रखें। बस इतना ही डिफरेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस में कि ये वह खाना खा रहा है और ये वह खाना खा रहा था, वो प्रोग्रेस प्रेजेंट में था और ये प्रोग्रेस पास्ट में चली गई। इसके रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत ही इजी है समझने में आपको। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के लिए स्टूडेंट्स वॉज या वर का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर भी सिंपल है, बिल्कुल अगर मैं अफर्मेटिव की बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स। जैसे वे आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, वे आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस टेंस इजी है इसलिए मैंने सेंटेंस हार्ड कर दिया, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, वे आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इजी रहेगा कौन संघर्ष कर रहे थे, वे, तो जब वे संघर्ष कर रहे थे वे की इंग्लिश दे, उसके बाद हमें चाहिए वॉज या वर्ब। अब हमें पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का यूज करते हैं, अब वे प्लूरल है तो इसलिए हम वर्ब का यूज कर देंगे वर्ब। उसके बाद स्टूडेंट्स वर्ब चाहिए, वर्ब है हमारी संघर्ष करना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहचान के साथ भी वर्ब जुड़ी होती है, तो इसमें जैसे उसमें राय रही है था, इसमें रहा था रही थी भी है, तो रहे थे संघर्ष करना, संघर्ष करने की होती है स्ट्रगल, स्ट्रगलिंग आईएनजी भी लगाते हैं स्टूडेंट, स्ट्रगलिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा आजादी के लिए, फॉर फ्रीडम। सो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव की बात करता हूं स्टूडेंट्स, नेगेटिव में सिर्फ वॉज वर्ब के बाद नॉट लगना है, सब्जेक्ट वॉज वर्ब नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सिंपल। जैसे वह तुम्हारा बेवकूफ नहीं बना रहा था, वह तुम्हारा बेवकूफ नहीं बना रहा था। स्टूडेंट सबसे पहले आपको चाहिए होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, कौन बेवकूफ बना रहा था, वह की इंग्लिश ही, उसके बाद वॉज या वर्ब, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल होता तो वर्ब, उसके बाद नॉट स्टूडेंट्स, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहा था बना मेकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है बेवकूफ मेकिंग, यू फूल भी कर सकते हैं स्टूडेंट।
स्टूडेंट्स, और मेकिंग फूल टू यू भी कर सकते हैं, और यहाँ पे ही वॉज नॉट बी फूल, फिर बी फूलिंग कर देंगे स्टूडेंट्स, ही वॉज नॉट बी फूलिंग यू, किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं अगर इंटरोगेटिव टाइप ए की बात करता हूँ तो सिंपल हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, वॉज वर्ब सब्जेक्ट और सेम रहेगा सब कुछ, नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हमें कुछ भी करना हो, देखिएगा क्या वे अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे थे, क्या वे अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे थे। सो स्टूडेंट्स क्या से शुरू हुआ है तो हमें वॉज या वर का यूज करना है। अब वॉज या वर का यूज करना है मींस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब कौन, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, कौन आवाज नहीं उठा रहे थे, वे, तो वे की इंग्लिश क्या होगी स्टूडेंट्स, दे, लेकिन हमें लिखना है वॉज या वर। अब दे के अकॉर्डिंग वर यूज कर देंगे, वर। उसके बाद हमें चाहिए स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, वो है हमारा दे, वर दे। उसके बाद नॉट यदि है तो लिखेंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स वर्ब चाहिए आवाज उठाना, उठाने आवाज उठाने की होती है स्टूडेंट्स रेज, आर ए आई एस आई एन जी, रेजिंग, क्या उठा रहे हैं स्टूडेंट्स आवाज, रेजिंग द वॉइस। अब देखिए एक्सेट्रा में क्या बचा, अन्याय के खिलाफ, क्या बचा अन्याय के खिलाफ, तो इसमें हम लिख देंगे अगेंस्ट इनजस्टिस, स्टूडेंट्स। बस हमें जो ध्यान रखना है, हमें स्ट्रक्चर तक ध्यान रखना है, उसके बाद एक्सेट्रा में जो जाता है उसे हम लिख सकते हैं। इंटरोगेटिव टाइप बी की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन वर्ड से पहले, सॉरी हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, बस क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है, छात्र गणित के सवाल हल क्यों नहीं कर रहे थे। अगर मैं इसकी बात करता हूं स्टूडेंट्स के छात्र गणित के सवाल हल क्यों नहीं कर रहे थे, सबसे पहले मुझे क्वेश्चन वर्ड चाहिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आएगा क्यों, वाई। इसके बाद स्टूडेंट्स वॉज या वर चाहिए, अब वॉज लगेगा या वर लिखेंगे वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट कौन है, छात्र, बहुत सारे हैं तो हम प्लूरल में हैं तो वर यूज करेंगे, वाई वर द स्टूडेंट्स, वाई वर द स्टूडेंट्स। नॉट देखिएगा, नॉट है तो नॉट लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हल करने की आती है सॉल्व, आईएनजी लिख देंगे सॉल्व। उसके बाद क्या, गणित के सवाल द मैथ्स सम्स क्वेश्चन, तो वाई वर द स्टूडेंट नॉट सॉल्विंग द मैथ्स सम्स। स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर गणित के सवाल होंगे तो आप सम यूज करेंगे, अगर वो किसी सब्जेक्ट के सवाल होंगे तो आप क्वेश्चन यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का होता है सम मैथ्स में होते हैं। सो इस बात को ध्यान रखें, क्विक रिवीजन में बता देता हूँ स्टूडेंट, सिंपल, इट डिस्क्राइब्स दैट वर्क वॉज ऑन प्रोग्रेस इन पास्ट, कि जो प्रोग्रेस में वर्क था पास्ट में वही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के लिए वॉज या वर्ब का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, और सिंपल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव ए टाइप होगा तो स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, बस वॉज वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा, वॉज वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव बी टाइप होगा तो स्टूडेंट्स इससे पहले क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, आप इसको एक दो बार स्टडी करेंगे इस टेंस को तो आपको बहुत आसानी से ये लर्न हो जाएगा। Thank you.